केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है। नाबालिग रेप के दोषियों को अब फांसी की सजा दी जाएगी। मोदी का स्वदेश आने के तत्काल बाद कैबिनेट की बैठक हुई और यह फैसला लिया गया कि दोषियों को मौत की सजा दी जाएगी। बैठक में पॉक्सो एक्ट में बदलाव कर 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा पर कैबिनेट में अपनी मोहर लगाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिस पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। सरकार संसद में इसके लिए अध्यादेश लाएगी। अध्यादेश में ऐसे मामलों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की व्यवस्था की जाएगी। इस पर 2 महीने में ट्रायल पूरा करना होगा। अगर केस में याचिका दायर होती है तो 6 महीने में निपटारा करना होगा। इस नए कानून के तहत 10 महीनों के भीतर केस को खत्म भी करना होगा। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने हाल ही में कठुआ और उन्नाव सहित अन्य घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर की थी। जहां जब भी औरत के ऊपर कुछ इस तरीके की वायलेंस होती है तो मैं तो बहुत दुखी हो जाती हूँ। हम लोग सोच रहे हैं कि जब भी कोई बच्चा का बलात्कार हो, 4 स्टेटों ने अभी भी डेथ पेनल्टी के लिए करा है। हम लोग भी चाहेंगे कि पॉक्सो एक्ट को बदल करके जो बच्चे जो 12 साल के बच्चे के नीचे के ऊपर अगर कोई इस तरीके से बलात्कार हो तो वी शुड आस्क फॉर द डेथ पेनल्टी। इस तरह की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए मंत्रालय कैबिनेट के समक्ष पॉक्सो एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव किया गया। फिलहाल इस कानून में दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान नहीं था। भारत में मौत की सजा का प्रावधान केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही संभव है। इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 27 अप्रैल को होगी। गौरतलब है कि कठुआ में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और उसके बाद हत्या की घटना के बाद से ऐसे अपराध के लिए फांसी की सजा की मांग उठी है। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के प्रस्ताव को हर तरफ से समर्थन मिला है। नाबालिगों से बलात्कार की बढ़ती घटनाओं को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी का ध्यान इस ओर खींचा था। राहुल ने अपने ट्वीट में कहा था कि सिर्फ 2016 में ही नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार के 19,675 मामले सामने आए। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री को इन मामलों में तेजी से सुनवाई करके पीड़ितों को न्याय दिलाने का उपाय करना चाहिए।